भोपाल के जियो कार्यालय में स्थानीय ऑपरेटरों द्वारा एक अनुबंध को लेकर ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें जियो और ऑपरेटर द्वारा कार्य क्षेत्र और कमीशन लेकर अनुबंध किया गया था। जियो कंपनी द्वारा ऑपरेटर को अपना कमीशन न दिए जाने की शिकायत को लेकर यह ज्ञापन सौंपा गया है। जानकारी के मुताबिक भोपाल के जियो ऑफिस में भोपाल के केबल ऑपरेटर ने ज्ञापन सौंपकर अपनी मांग रखी कि 5 वर्ष पहले जियो और ऑपरेटर के बीच हुए अनुबंध के अनुसार ऑपरेटर को जियो द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन किया है। जब जियो ने ऑपरेटरों के ग्राहकों की पूरी पूरी जानकारी मांगी तो तुरंत ही जियो के अधिकारियों के पास जमा कर दी गई। जियो कंपनी के मांगने पर केबल ऑपरेटरों के कार्य क्षेत्र का नक्शा भी बनाकर दिया, जिसमें ऑपरेटरों द्वारा संचालित किया जा रहा केबल टीवी का पूरा विवरण भी दिया गया था, जिसे देखकर जियो ने ऑपरेटरों के सहयोग से अपना नेटवर्क बनाया और अनुबंध के अनुसार सभी ऑपरेटर को अपने अपने क्षेत्र में जियो के नेटवर्क की देखभाल करते रहे हैं। जिसको देखकर जियो ने ऑपरेटरों के सहयोग से अपना नेटवर्क बनवाया और अनुबंध के अनुसार सभी ऑपरेटर अपने अपने क्षेत्र में जियो के नेटवर्क की देखभाल करते रहे, परंतु आज तक जियो ने ऑपरेटरों से तय किया गया कमीशन तक नहीं दिया। हम लोग आज आए थे जियो के ऑफिस में अपना एग्रीमेंट दिखाने, जो उन्होंने आज हमसे 5 साल पहले किया था कि हम आपको पार्टनर बना के आपके एरिया में साथ में काम करेंगे, लेकिन आज उन्होंने हमारे साथ धोखा किया, 420 करी और उन्होंने हमारे एरिया में आके खुद अपने नए कनेक्शन डालना शुरू कर दिए, हमारे कनेक्शन काट के। हमारा विरोध यह था कि जब हमसे एग्रीमेंट करा था, हमें आपने पार्टनर बनाया था, तो ये काम हमारे साथ मिलकर चलते, हम आपके साथ मिलने को तैयार हैं। सिर्फ हमारा विरोध जो है वो इतना था, लेकिन ये हमारी चीज़ें नहीं मान रहा है, ना हमारे सुन रहा है। हमारे हर एरिया के अंदर हमारे सभी ऑपरेटर भाइयों के एरिया में जो है ना, ये केबल के कनेक्शन डालना है, इंटरनेट के कनेक्शन डालना है, उसका हमारा विरोध था। आज हम उनको ज्ञापन देने आए हैं और यहाँ पर ज्ञापन दे दिया है इनको। लीगली हम लोग जो थे, हमने इनको एक दे दिया है नोटिस। अब अगली कार्यवाही हमें बुलाएंगे, अगली मीटिंग के लिए हम उनसे बात करेंगे। इस ज्ञापन के माध्यम से ऑपरेटरों को अनुरोध है कि तुरंत ऑपरेटर के हिस्से का कमीशन नियमित रूप से दिया जाए, अन्यथा जियो के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।